सो हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। आईपीएल 2020 के स्टार्ट में अब एक महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और अभी भी आईपीएल से प्लेयर्स के बाहर होने का सिलसिला चालू है, जहां पर जोफ्रा आर्चर और मैक्सवेल तो इंजरी के वजह से आईपीएल से बाहर हो सकते हैं, शिवम मावी और नीतीश राणा पर बैन लग सकता है, शायद ये सब प्लेयर आईपीएल 2020 भी ना खेले। और इसी के बीच एक और बहुत ही बड़ा साउथ अफ्रीकन प्लेयर भी आईपीएल 2020 से रूल्ड आउट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस प्लेयर का नाम बताऊंगा, क्यों वो आईपीएल से बाहर हुआ है वो भी आपको बताऊंगा, क्या वो पूरा आईपीएल खेल पाएगा या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नहीं उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो अगर आईपीएल 2020 की बात करें तो आईपीएल 2020 में ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े साउथ अफ्रीकन प्लेयर इस बार शामिल होने वाले हैं। जब आरसीबी की टीम में दो बड़े साउथ अफ्रीकन प्लेयर मौजूद है, एक है डेल स्टेन, दूसरा है क्रिस मॉरिस। इसके अलावा डेविड मिलर और कगिसो रबाडा के साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल 2020 का हिस्सा रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की बात करें तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में ही एक बहुत ही बड़ी सीरीज़ खेल रही है। इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे पहले 3 T20 खेले गए हैं, जहाँ पर 3 T20 की जो श्रृंखला थी वो साउथ अफ्रीका टीम 2-1 से हार चुकी है और अभी 3 ODI भी खेले जा रहे हैं। जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रृंखला थी इसका जो 3rd T20 मैच था उसी मैच में ही साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर कगिसो रबाडा इंजर्ड हो चुके हैं। जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक उनको ग्रॉइन इंजरी हुई है और ये जो इंजरी है उनकी थोड़ी सी बड़ी है। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 ODI मैच अभी खेले जा रहे हैं उससे भी वो कम्प्लीटली बाहर हो चुकी है। इंडिया के खिलाफ जो ODI मैचेस मार्च के मिड में खेले जाएंगे, यानी कि जो मैचेस आईपीएल से ठीक पहले खेले जाएंगे उससे भी वो ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। और जो स्कैन की रिपोर्ट निकल के आई है कगिसो रबाडा की उसमें ये कंफर्म हो चुका है कि 4 से 5 वीक के लिए कगिसो रबाडा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, यानी कि 4 से 5 वीक का टाइम उनको लगने वाला है पूरे ठीक होने में। जहाँ मैं आपको बता दूँ कि कगिसो रबाडा ये तो कंफर्म है कि जो आईपीएल 2020 का इनिशियल फेज़ है उसे बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको आईपीएल 2019 का लास्ट फेज़ याद हो तो आपको ज़रूर ये बार पता होगा कि कगिसो रबाडा उस समय भी इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद जब फाफ डुप्लेसिस अपने देश लौटे थे तब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने यही कहा था कि आईपीएल की वजह से वर्ल्ड कप 2019 पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट उनकी टीम को पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो आईपीएल की वजह से इंजर्ड हो गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड कप 2021 को देखते हुए शायद तक क्रिकेट साउथ अफ्रीका कगिसो रबाडा को आईपीएल 2020 खेलने ना दे, क्योंकि पिछले साल भी इसी बात के संकेत मिले थे और साउथ अफ्रीकन टीम को नुकसान भी हुआ था। तो इस बार भी शायद तक आपको कगिसो रबाडा आईपीएल 2020 खेलते हुए नज़र नहीं आ सकते हैं। तो ये तो थी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जहाँ पर कगिसो रबाडा शायद तक पूरे आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। अभी के लिए तो इनिशियल फेज ऑफ द आईपीएल से बाहर हुए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।